आज 29 अक्टूबर 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। कार्तिक मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है देर रात 3:48 तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। विशाखा नक्षत्र है रात 11:11 तक और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शाम 5:35 पर। आज श्री विश्वकर्मा पूजा है, यम द्वितीय है, भैया दूज है, यम पूजन है और चित्रगुप्त पूजा है। मेष राशि वाले ये समझ लें कि जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो एक साथ आ जाती हैं चुनौतियों के रूप में। कामकाज की स्थिति संभली हुई है पर तकदीर जैसे पूरा साथ नहीं दे रही। शायद यही वजह है कि रिश्तों को संभालना भी कठिन होता चला जा रहा है। समय के साथ आपको भी खुद को बदल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और रिश्तों में भी तकरार नजर आ रहा है। किसी एक रिश्ते को बढ़ावा देने की कोशिश में कोई दूसरा रिश्ता कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। लोग क्या सोचते हैं और आपसे क्या चाहते हैं इस बारे में तो मनन करना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपनी परेशानियों को हटाकर लोगों के प्रति अच्छाई बनाए रखने का समय, क्योंकि लोगों से बनता हुआ तालमेल आपकी ज़िंदगी को नए मायने दे सकता है। जितना लोगों से जुड़ेंगे और उनसे विचार विमर्श करेंगे उतना ही आप अपने भविष्य के रास्ते को सुखद बना पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में बनती हुई किसी भी तरह की तकरार की स्थिति से बचना होगा और अपनी प्राथमिकताओं की ओर भी नज़र रखनी होगी। जिसमें जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें एकाग्रता बनाए रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। मिथुन राशि वाले अपने कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे, जिसका बुरा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। परेशानी ये है कि आपका व्यवहार कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें आप लोगों को भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? अगर आप लोगों की आलोचना करते चले जाएंगे तो लोग भी आपसे दूर हटते चले जाएंगे। अभी से इस बात को संभाल लेने की ज़रूरत है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा सकता है और अपने लिए भविष्य को सुनिश्चित भी किया जा सकता है। लोगों से मदद की उम्मीद लगाने के बजाय अपनी मेहनत को तराश लेने का समय है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई इस रूप से बनाए रखें कि आप लोगों के हित की बात करें। इस प्रयास में आपको लोगों से जुड़ना भी होगा और उनकी परेशानियों को समझना भी होगा। किसी से भी कोई ऐसी बात कहने से बचे जो किसी को बुरी लगे। सिंह राशि वालों के लिए अपनी कोशिशों से रिश्तों को बढ़ावा देने का समय, क्योंकि घर परिवार की खुशियां बनी रह सकती हैं। बहुत सारी अच्छाई बनी हुई है पर फिर भी आपका मन किसी भी चीज़ में लग नहीं रहा, इसलिए कई सारी चीज़ों में सवाल आपके खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी एकाग्रता को बनाना होगा, अपने भटकते हुए मन को भी थामना होगा ताकि किसी एक काम में आपकी निष्ठा नजर आए। मेहनत के रास्ते में कई तरह की मुश्किलें नजर आ रही हैं क्योंकि आप आलसी होते चले जा रहे हैं और इसी बात से बचने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों में बनती हुई अच्छाई को समझने का समय। अपने किसी छोटे भाई बहन पर आपको गर्व हो सकता है और हो सकता है उसकी सफलता में आपने भी बहुत बड़ा योगदान दिया हो, पर इस बात का दूसरा पहलू भी है, लोगों की मदद की वजह से भी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। क्या करना चाहिए समय में? काम को बढ़ावा देना होगा और रिश्तों से खुशियां पानी होंगी, क्योंकि ये इस समय की प्राथमिकता है। पैसे से जुड़े फैसलों को फिलहाल टाल देना होगा क्योंकि वो कमी का क्षेत्र है। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है जिसे समझने से ही लाभ होता है। तुला राशि वालों के लिए समय कुछ ऐसा है कि एक ओर तो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के विकल्प उभर रहे हैं, दूसरी ओर आपकी आर्थिक स्थिति पर इस समय कई तरह के बादल भी मंडरा रहे हैं। ऐसे ही किसी असमंजस भरे समय में संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो कुछ अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी कोई छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। इसलिए जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी एकाग्रता बनाए रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के रूप में आपकी अच्छाई हर तरह से बन रही है पर कामकाज की स्थिति कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। ज़िंदगी कब क्या क्या खेल खेलती है ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े किसी भी तरह के बड़े फैसले को फिलहाल टाल देने का समय। मन का भटकाव बहुत है जिसे थाम लेने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब अपने कदम बहुत सूझबूझ से और बहुत धैर्य से ही आगे बढ़ाने पड़ते हैं। धनुराशि वालों के लिए मुश्किलें भी हैं और मुश्किलों से पार भी पाना है। दूर स्थान के कई ऐसे विकल्प हैं जो आपको लाभ की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए किसी यात्रा या बदलाव का विचार भी हो सकता है आपके मन में। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल भी रखना होगा और सेहतमंद रहने के लिए भी अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा। मकर राशि वालों के लिए धन लाभ की परिस्थितियाँ भाग्यशाली रूप से उभर रही हैं। उसमें आपकी मेहनत भी लगी हुई है और आपके लिए तकदीर भी मेहरबान, पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि रुकावटें थमी हुई।
क्या करना चाहिए समझो, गलतियों से बचना होगा, किसी के प्रति अविश्वास बनाए रखने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी बढ़ती हुई नकारात्मकता को थामने की भी जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आप अपने हालात को सुधारने के लिए इस समय बहुत कुछ कर पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव पर हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। ऐसी अच्छी परिस्थितियां तब बनती हैं जब बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। कामकाज में भी तरक्की हो रही है और आर्थिक स्थिति भी भाग्यशाली रूप से संवर रही है। क्या करना चाहिए समूह में, आपको कई लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ सकती है और हो सकता है कि हर कोई आपको ज्ञान देने की कोशिश करे और आपको लगे कि वो लोग आपके खिलाफ हैं, पर अपने मन में किसी भी तरह का तकरार बनाते चले जाने से बच कर निकल जाने की जरूरत। मीन राशि वालों के कामकाज की स्थिति भाग्यशाली दौर से गुजर रही है और लोगों की भी हर तरह से आपको मदद मिल रही है, फिर भी आपको लगता है कि आपके प्रदर्शन में कमी आती चली जा रही है और लोग आपसे खुश नहीं, ये आपके मन का बनाया हुआ वहम हो सकता है। क्या करना चाहिए समझो, किसी प्यार के रिश्ते को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। लोग आपकी बात को किस रूप से ले रहे हैं इस बारे में भी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बदलता हुआ समय है और बहुत जल्द बीत जाएगा और परेशानियों के बादल भी छट जाएंगे।